नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गए खबरें फटाफट का। गाजा के एक रिपोर्ट में अस्पताल का वीडियो सामने आया है जो मानवता को शर्मसार कर रहा है। वहां अस्पतालों में सड़ी गड़ी हालत में नवजात बच्चों के शव मिले हैं। यूपी में कार की डिग्गी में मिले इतने नोट के गिनते गिनते थक गए आयकर अफसर, जहाँ कार में करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए बनेगा कानून, यूरोपियन यूनियन पहली बार हुआ राजी। केरल में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, डॉक्टर समेत 6 लोग हुए गिरफ्तार। मिजोरम में सीएम लाल दुहोमा समेत सरकार में होंगे 12 मंत्री, लाल रेन पोई बनी राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। आपदा झेल रहे तमिलनाडु के लोगों ने नेताओं के खिलाफ आक्रोश, दूध पानी को तरसे रही जनता। इन्फिनिटी फोरम में पीएम मोदी का संबोधन होगा आज, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। एक साल में 1000 मरीजों को ब्लड कैंसर से मिलेगी मुक्ति, 15 अस्पतालों में पहुंची स्वदेशी CAR-T थेरेपी। हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया में 2023 को लेकर 12 दिसंबर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संवाद करेगी कंगना रनौत, पंजीकृत भी हुए अनिवार्य। राजस्थान के बीजेपी विधायक से बात करेंगे जेपी नड्डा, आज शाम होगी वर्चुअल मीटिंग। चुनाव से पहले बड़ी गड़बड़ी आई सामने, 19,000 वोटरों का फोटो एक जैसा, अब भेजा जा रहा नोटिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां इस दौरान सीएम योगी ने अंबेडकर पार्क घूमने आए स्कूली बच्चों को दुलारा। 1-2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों को वितरित किए स्मार्टफोन। आगरा में दिखेगा दुबई जैसा नजारा, शुरू हो रहा दुबई थीम कार्निवल, जहां 125 तरह के लगेंगे स्टॉल। बरेली में साइबर सेना हो रही तैयार, थानों में ही निपटेंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले। काशी में बनेगा नया कीर्तिमान, सर्ववेद महामंदिर में 1.5 लाख दंपत्ति एक साथ एक समय और एक स्थान पर देंगे आहुति। गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार अब लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए रैली करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले उत्तर प्रदेश में रैली करेंगे, फिर उसके बाद झारखंड जाएंगे। जातीय जनगणना की मांग को लेकर पिछले 21 दिन से मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और सीएम योगी को अपने खून से चिट्ठी लिखकर भेजी है। बिहार के कैमूर पुलिस ने अपने जिले में हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए शादी विवाह के आयोजकों को घोषणा पत्र देने का निर्देश दिया। भोपाल में 11 दिसंबर को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर होगा ऐलान। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।